दोस्तों शेड बिछा दी है और कबूतरों को खोलने का टाइम है। हम जल्दी से अपने कबूतर खोल लेते हैं। आज मेरा दिल है कि पहले एक पेयर ही खोलते हैं और देखते हैं कि वो पेयर क्या करते हैं। तो दोस्तों ये पेयर का पिंजरा हमने खोल दिया है और इनके बाहर आने का वेट करते हैं। पहले दाना भी डाल लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों बाहर आ गए, हम दाना डाल देते हैं। तो जी दाना डाल दिया कबूतरों को। मैं सोच रहा था कि बटेरों को भी खोलें, लेकिन दोस्तों जब भी बटेर खोलते हैं कबूतर भी डरते हैं और हमारे बटेर भी डर के इधर उधर भागते हैं। और दोस्तों मुझे एक कमेंट आया है कि आपकी जो डायमंड डब्स हैं वो दोनों मेल हैं, मतलब कि ये भी मेल है और ये जो ऊपर गया हुआ है ये भी मेल है। तो दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मेल है या नहीं। तो दोस्तों अगर तो ये मेल है तो इनकी 100% फीमेल्स भी लेके आने पड़ेगी। तो दोस्तों मैं दो फीमेल्स लेके आऊंगा, एक इसके लिए और एक ऊपर वाले के लिए। फिंचेस भी हमारी फ्रेश है लेकिन पेयर सिर्फ अच्छे वाला एक ही है। दोस्तों मैं उधर कबूतरों के साथ लगा हुआ था और मेरी अचानक नजर पड़ी कि एक लाइट पानी के अंदर गिर गई हुई है और बाकी दोनों लाइटें ठीक है, लेकिन इसकी गम का मसला हो गया होगा, मतलब ये पीछे चिपकी हुई थी ना ऊपर इसके साथ। तो दोस्तों वो मेरा ख्याल है वो खत्म हो गया और वो नीचे गिर गया। और दोस्तों आज मैं एक और काम करने लगा हूँ, मैं इनके लिए वाटर फिल्टर बनाने लगा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने मशीन ला के यहाँ पर रख ली है, ये वाटर पम्प और साथ ये बॉक्स, इसके अंदर हम इनका सारा सेटअप बनाएंगे और दोस्तों अपने इस एक्वेरियम के अंदर वाटर फिल्टर लगाएंगे। और दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे कि जब पानी अंदर गिरे और अंदर ऑक्सीजन बबल्स बने, तो दोस्तों इससे इनको दोनों चीज़ें एक साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हम जल्दी से ये काम स्टार्ट कर लेते हैं, पीछे ये पेयर खुला रहेगा। तो दोस्तों इनके लिए जल्दी से हम वाटर पम्प बना लेते हैं, मतलब कि वाटर फिल्टर भी, वाटर ऑक्सीजन भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। तो दोस्तों हमने अपना एक पेयर खोल दिया है और ये पेयर आपस में लड़ता भी है, समटाइम ऐसे लगता है कि ये दोनों मेल है। और वो देखें दोस्तों हमारे बजिस एक दूसरे के साथ मस्तियां कर रहे हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह ये बहुत प्यारा पेयर है और इनके बच्चों का तो मुझे शिद्दत से वेट है। दोस्तों जो हम वाटर फिल्टर बना रहे थे वो हमारा फ्लॉप गया, वो लीकेज करने लग गया था साइडों से, मतलब कि यहाँ पे मैंने सिलिकॉन लगाई थी तो इधर से लीक करने लग गया, प्लस ऊपर से भी लीक करने लग गया। तो अब काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद मुझे ये मिल गया शावर, और अब मैं दोस्तों शावर लगाने लगा हूँ इस जगह पे, लाइक इस तरीके से लगेगा और शावर नीचे पानी में गिरेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगने वाला है और ये अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिमाग लड़ाने के बाद मुझे ये मेरे इस बैग में से मिल गया। तो दोस्तों अब मैं ये बनाने लगा हूँ। कबूतरों को मैंने बंद कर दिया हुआ है क्योंकि कबूतर बहुत टाइम से खुले हुए थे, मेरा काम ख़त्म नहीं था हो रहा। तो दोस्तों कबूतरों को मैंने बंद कर दिया और हमारा दिलबर वैसे ही शोर कर रहा है। इनके लाइटें इसलिए ऑफ कर दी है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो जी दोस्तों हमारा शावर रेडी हो गया, अब इसको हम करेंगे ये वाला येलो स्प्रे जो उस दिन हम लेके आए थे, तो ये कहीं पे यूज़ भी हुआ, अभी खोल लेंगे तो वो वाला, तो ये वाला हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद इसको हम इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से पानी गिरेगा अंदर, तो आए जल्दी से हम शावर कर लेते हैं, ओह सॉरी स्प्रे कर लेते हैं। तो चले आए दोस्तों। तो जी दोस्तों हमने स्प्रे कर दी है और ये अच्छा लग रहा है दोस्त। तो जी दोस्तों हमने स्प्रे कर दिया और ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम इसे इंस्टॉल कर देंगे, अभी ये गीला गीला है तो जब तक ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो दोस्तों इसके ड्राई होने का हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो वेट एंड वॉच।
तो हमारा वाटर फिल्टर रेडी है और अब आपको ये चला के दिखाते हैं। सुभान चलाना। तो दोस्तों जस्ट वेट। तो जी दोस्तों माशाल्लाह से हमारा वाटर फिल्टर रेडी है। आज इस वाटर फिल्टर को बनाने के चक्रों में मैं बहुत ज़्यादा जलील हो गया हूँ, क्योंकि दो पहले फ्लॉप गए। एक मैंने स्टार्ट किया एक बॉक्स में, उसमें फ्लॉप गया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वो क्या कहते हैं उसे इससे, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इससे, लेकिन इसमें भी फ्लॉप गया। और लास्ट पे जाके मेरा ये रेडी हो गया। और दोस्तों ये देखें, पानी नीचे गिर रहा है, फिशेस को ऑक्सीजन भी मिल रही है और फिल्टर यहाँ पे हो रहा है। इसके अंदर मैंने सारा सेटअप लगा दिया है, यहाँ से पानी जा रहा है अंदर और इस साइड से फिल्टर होके गिर रहा है। और अंदर मैंने लाइट भी लगा दी है दोस्तों, ये देखें लाइट भी लगी हुई है और फिल्टर भी हो रहा है पानी। तो दोस्तों अब हमारा एक्वेरियम गंदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी लग गई है, फिल्टर भी लग गया है और लाइट भी लग गई है। तो दोस्तों ये जस्ट वैसे रख दिया, मतलब अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसे एक्वेरियम के ऊपर रख दिया। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारी फिशेस बहुत ज़्यादा खुश है। ये देखिए हमारी मोली फिश एक ये है, एक ये है और एक कैट फिश नज़र नहीं आ रही। वेयर इज कैट फिश? तो दोस्तों कैट फिश से पहले आप देख लें हमारी बीटा फिश। बीटा फिश भी माशाल्लाह खुश है, लेकिन यहाँ पर मैंने इनकी पार्टीशन की हुई है, बीटा फिश इधर नहीं जा सकती। तो बीटा फिश को वैसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे है, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो दोस्तों हमारी कैट फिश नज़र नहीं आ रही। वेर ये देखें दोस्तों कैट फिश, वो पीछे छुप के बैठी है, ये मरी नहीं है, है जिंदा है लेकिन हिल नहीं रही। तो थोड़ी देर तक ये मूवमेंट करने लग जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा हाथ से बनाया हुआ, मतलब कि जुगाड़ से बनाया हुआ वाटर फिल्टर कैसा लग रहा है। दोस्तों ये शावर का मतलब हिस्सा है, नीचे वाला शावर है, उसके बाद ये एंगल्स हैं और इससे मैंने मस्त जुगाड़ वगैरह लगा के मैंने एक रेडी कर लिया, मेरे फिश का एक शावर रेडी कर लिया। तो दोस्तों माशाल्लाह से चल रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। और माशाल्लाह से हमारी फिंचेस भी बिल्कुल फ्रेश है। तो बाकी भी दोस्तों बटेर भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैं आपको अपने कछुए दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं कल से। तो चले साइड के शीशे को खोल के बाहर दिखाऊँगा, क्योंकि जैसे मैं बाहर जाऊँ बाहर वाली साइड पर होगा तो वो छुप जाएगा, मतलब कि बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों एक बाहर आया हुआ है, ये देखें दोस्तों, वो देखें दोस्तों ये बाहर घूम रहा है, उसके फेस भी बाहर है और एक और जो है इसका भी फेस बाहर है। तो दोस्तों दोनों के फेस बाहर है और अंदर ले गया दोनों। तो दोस्तों इनका यही है कि जब इनके पास आओ तो ये अपना फेस अंदर ले जाते हैं। और दोस्तों कल से मैं इनको देख रहा हूँ, माशाल्लाह ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश और फ्रेश है, मतलब कि जब इनका दिल करता है ये पानी में चले जाते हैं और जब दिल करता है ये बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो दोस्तों एक इस साइड पर आया हुआ था और अब देखिए वहाँ पे दोस्तों ये मेरे हाथों पे कलर लग गया। दोस्तों बहुत मेहनत की है मैंने उसको बनाने में। तो ये देखिए दोस्तों इसके तो मैं पास कितना चला गया, ये तो डर भी नहीं रहा। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारे कछुओं का भी सेटअप अच्छे से लग चुका है। तो ये यहाँ पे मतलब बिल्कुल ईजी है, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तंग करने वाला नहीं है और धूप भी नहीं आ रही। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ़िलहाल आर्जी तौर पर कारपेट रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं कुछ और लगा दूँगा, लेकिन यहाँ पर धूप वगैरह भी नहीं आ रही। और दोस्तों देखिए ये देखें दोस्तों इसको क्लोज, हाँ जी क्या हुआ है, और ये वाला तो अभी तक छुपा हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों फुल मज़े में है। दोस्तों ये वाला वाटर फिल्टर मैं बाज़ार से भी लेके आ सकता था, बना बनाया, मतलब ला के बस इंस्टॉल कर देना तो उसने स्टार्ट हो जाना है, लेकिन ये ख़ुद से मेहनत करने का मकसद ये था कि आप लोग भी देखें कि ऐसी चीज़ें हम लोग घर में रेडी कर सकते हैं, मतलब कि जैसे ये मैंने रेडी किया। तो दोस्तों इतनी मेहनत करने की एक और वजह ये थी कि मेरी फिशेज़ जो थी मैं लेके आया था तीन, जिसमें से दो मर गई थी और एक ये देखें ये कैट फिश निकल आई है और ये जिंदा है। और इन फिशेज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बीटा फिश को ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसकी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन इनकी टेंशन थी। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने और भी फिशेज़ ला कर छोड़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे टेंशन ये थी कि मैं ला कर छोड़ूँ और वो मर जाए। तो दोस्तों बस इसलिए मैंने ऑक्सीजन का सेटअप कर दिया। ये देखें दोस्तों वो पास से आ रही है और तो कैट रूम में चलते हैं और कैट रूम को देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो दोस्तों माशाल्लाह से कैट रूम, वो देखिए ऊपर एल्सा और बाकी हमारी कैट सो रही है।
वो टॉम और स्नोबेल देखे दोनों कितना पास पास हो रहे हैं, और वो देखे हमारा माइकल, तो मिट्टी और पहला दोनों सो रहे हैं कितने मजे से, देखे दोस्तों सो रहे हैं। तो जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत हुई, दो दफा फ्लॉप हो गया एंड तीसरी दफा कामयाब हो गया। तो दोस्तों ये बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग ऐसी चीजें घर पे जुगाड़ के साथ बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाजार से ही लाके हम लोग फिट करें। मैं भी कर सकता था लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया कि आप लोग भी देख के अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल जू लाइफ को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।